हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइस, आज है 9 अक्टूबर, आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है, तो इसलिए हम मार्केट आए हुए हैं और अपनी फ्रेंड पूजा को भी बुलाया मैंने, वो भी साथ में आई हुई है मार्केट। तो मेरे हस्बैंड तो घर पर हैं नहीं, आज वो गए हुए हैं बाहर काम से, थोड़ा ज़्यादा दूर पर गए हुए हैं काम से, तो उनको नहीं पता है। छोटा सा सरप्राइज़ उनके लिए हम लोगों ने सोचा है, तो उसी के लिए मार्केट आए हुए हैं। और यहाँ पे देखो, हम लोग पहुँच ही गए हैं। घर से स्टार्ट नहीं कर पाया था वीडियो क्योंकि भूल गए स्टार्ट करना, तो रास्ते से ही स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले पता है आते आते क्या किया हम लोगों ने, मतलब घर से चले आ रहे थे और आते आते यहाँ पे देखो कहाँ पे आए हम लोग, अभी सामने आप देखना, अभी यहाँ पर उतरे आलू का पराठा। सबसे पहले हम लोग ठूसने आए हैं यहाँ पे, भूखे थे तो पूजा को भी भूख लगी थी, इसलिए आए हम लोग आलू का पराठा खाने। काफ़ी फेमस है यहाँ का पराठा, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ये देखिए आलू का पराठा, दही, छोले, अचार साथ में, आप लोग भी खा लीजिए। इसके बाद हम लोग गए मार्केट में, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो पूजा भैया के लिए मतलब गिफ्ट ले रही थी मेरे हस्बैंड के लिए, तो वही देख रहे थे हम लोग, तो वहाँ से ले लिए कपड़े भी। तो उसके बाद हम लोग आ गए फिर रोड पे, काफ़ी धूप हो गई थी, टाइम सुबह हो गया था ना, तो धूप बहुत ज़्यादा थी, हम लोग पैदल चल रहे थे। इसके बाद पूजा को जाना था हॉस्पिटल, उसको थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उसे दिखाना था हॉस्पिटल। वहाँ फिर हॉस्पिटल पहुँचे उसको लेकर, हमने कहा आए हैं तो ये भी काम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग गया हॉस्पिटल में, अभी तो ये गए ही हुए हैं, अभी डॉक्टर भी नहीं आए हुए थे तब हम लोग पहुँचे, 11 बज गया था। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, बहुत टाइम लग गया, मतलब काफ़ी टाइम लग गया, बैठे बैठे थक गए हम वहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग आ गए, बेकरी जाना था, केक लेना था, थोड़ा सा डेकोरेट करना था रूम को। ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, मतलब ऐसे ही नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत कर दिया, उतना भी नहीं हो पाता है। इसको बुला लिया था तो साथ में हो गया। देखो हम लोग पहुँच के बेकरी, यहाँ से ले लिया सारा सामान। अभी ये तो निकल गई, हम गेट में लटक गए, इतना ज़्यादा गेट मतलब टाइट था ना, खुल ही नहीं रहा था, उसमें अटके हम बड़ी देर से निकल पाए बाहर। वहाँ से देखो केक वगैरह पैक करा लिया हमने जो लेना था, बलून्स वगैरह ले लिया। देखो सारी इतनी बड़ी बेकरी है, यहाँ से ही लेते हैं हमेशा हम लोग। हम लोग फिर आगे घर, घर आके ऐसा लग रहा सेल्फी खींच रहे हैं। और फिर घर आने के बाद फिर हम लोग भूखे हो गए, बहुत टाइम हो गया था। फिर पूजा ने पुलाव बनाया तो कह रही आज हम बनाएंगे, मतलब हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रोज़ तो हम ही बनाते हैं, आज तुम बनाओ, तो उसने बनाया। फिर हम लोग बलून फुला रहे थे, यार पता है आपको मुँह फूल गया लेकिन बलून नहीं फूल रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा बलून फुलाने में, बेचारी थक गई। आधा इसने फुलाया आधा हमने फुलाया, बड़ी मेहनत करी तब जाके कहीं बैलून फूला। मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, देखो इतना बड़ा लेके बैठे फुला रहे कैसे, बहुत मुश्किल से बैलून फूला। फुलाते फुलाते हम लोगों को लग गई भूख और बन चुके थे पुलाव हमारे, तो हम लोगों ने पुलाव और दही खाया। आप लोगों को फिर से एक बार निमंत्रण, खा जाइए। ये देखो हम लोगों ने छोटा सा डेकोरेशन किया ऐसे ही बैलून्स का, ही ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा सा ही कर लिया, पर मेरे हस्बैंड इसमें ही बहुत खुश हो गए वो देख कर ही। पता गाइस क्या हुआ, जो उनका रिएक्शन वीडियो बना था ना, जब वो वापस आए तो वो डिलीट हो गया, पता नहीं बना नहीं क्या हुआ, वो वीडियो कहाँ चला गया, मिला नहीं। आपको दिखाते कितना वो खुश हो गए देख के। यहाँ पे देखो वो आगे बना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माई हबी स्वीट हबी, दुनिया की सारी खुशी मिले हैं हमारे हस्बैंड जी को। ये देखो कैसे डांस कर रही है, इसको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है जब ये आती है, तो खूब मस्ती करते हैं हम लोग। फिर देखो केक खिलाया हमको भी, मैंने भी खिलाया इनको। अब पूजा की बारी, अब पूजा खाएंगी। तो ऐसे ही बस इतना छोटा सा हम लोगों ने किया, और इसके बाद पूजा को जाना भी था, मैंने बोला शाम तक रुक जाओ, इसको छोड़ देंगे जाके, पर बहुत टाइम हो गया था, कहती नहीं रुकेंगे। फिर हम लोग पता है पैदल पूजा को पैदल छोड़ने गए,
मतलब शाम को यहाँ पे वो नहीं चलती है, ऑटो जाता नहीं है, इधर पहाड़ी एरिया सारा, वहाँ ऑटो जाता नहीं है और शाम को बस जाती नहीं है। टाइम होता है कि मतलब इस टाइम पे ही जाएगी, तो टाइम तो निकल गया था। इसको देखो क्या कर रही है, लो हरकतें देखो इसकी, कह रही थी वहाँ पे बेर लगे हैं, बेर लगे, इन्होंने पकड़ के छोटी लपेट लिया उसको वापस। पता है ये दोनों साथ में होते हैं तो इतना लड़ाई करते हैं, इतना लड़ाई करते हैं ना कि क्या ही बोले हम, बहुत लड़ाई करते हैं। हम भी जा रहे हैं पूजा को, बहुत दूर घर है भैया। ये जा रही थी ना पैदल, बताओ अकेले जाएगी यहाँ गुफा तक, तो हम लोग छोड़ देंगे, इसके आगे ही अकेले जाएगी। काफ़ी डर लग रहा था हम लोगों को, साथ में चल के गए, लेकिन देखो जा रहे हैं हम। गुफा के अंदर तो लाइटें भी नहीं थी, इतना ज़्यादा अंधेरा था, फ़ोन की टॉर्च जलाना पड़ा हम लोगों को। देखो कितनी बड़ी गुफा है यार, बहुत डर लग रहा था। हम लोग फाइनली वहाँ से निकल आए गुफा के बाहर, और पूजा को बस यहीं तक हमने छोड़ा, इसके आगे वो चली गई थी, फिर वो जा रही है ना, इसके आगे वहाँ पीपल के पेड़ तक छोड़ दिया इसको हमने, फिर वहाँ से चली गई और हम लोग भी इधर आए। जब तक हम लोग अपने घर पहुँचे उतनी देर में ही पूजा वहाँ अपने घर पहुँच गई थी। बहुत मतलब सुनसान सा लगता है, बहुत डर लगता है यहाँ पे। तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस, छोड़ दिया पूजा को, पूजा गई। बहुत डरावनी रास्ता भाई। आगे फिर से हमारी गुफा है, आपको दिखाता हूँ, देखो गुफा भाई, ऐसी गुफा है ना, यहाँ से अगर आप अकेले आओगे ना, कसम से बता रहा हूँ, फटके हाथ में आ जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना, हम दो लोग हैं ठीक है, और आगे भी हमारे एक दो लोग हैं, वो भी लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की हालत खराब है। सुन रहे हो, हाँ समझ रहे हो ना भाई, बहुत कसम से पहला एक्सपीरियंस मेरा है सर, इस तरह से चलते सब जल्दी चल लेंगे भैया। फाइनली वो रही पीछे गुफा, पार कर चुके हैं गुफा, आप देख सकते हो पीछे गुफा है। देखो भाई साहब हालत ख़राब हो गई कसम से इसकी, देखो हालत चल नहीं पा रही है, इतना थक चुकी है अब। दो बार पार करके अंदर से, एक बार गए एक बार वापस आए, बैठ चुके हैं भैया, पंडिताइन थक चुकी हैं, देख लो अभी दिखाता हूँ, मेरा मुंह तो कटा जा रहा है भैया, थक चुकी हैं, कैसे बैठी हैं, भंडारा खाने आई हैं, देख रहे हो ना, कोई जानवर ना आ जाए हमको खा जाए आगे मुझे। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, अंधेरा हो गया था। इधर देखो, हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है अभी। तो भैया आ चुके हैं घर, देख लो। घर आने के बाद गाइस बहुत ज्यादा थक गए थे, तो आप लोग बताना कैसे घर की सजावट अभी भी वैसी की वैसी है, कमेंट करना टोटल, और चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी कर लें। हम लोग फिर आराम करके, फिर मैंने खाना बनाया, खाने में क्या बनाया वही बनाया यार, पनीर बना दिया, पूड़ी बना दी, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। आप लोग भी खा जाइए आके, जैसा भी बना होगा। तो गाइस ओके बाय, गुड नाइट।